नमस्कार दोस्तों, आपका अपना अजीज दोस्त डॉक्टर गुरुक्रम शर्मा। दोस्तों, अक्सर हम लोग निराश बहुत जल्दी होते हैं जिंदगी में, बहुत जल्दी घुटने टेक देते हैं हम लोग, और हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है उसकी जगह नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। हम सब्र नहीं होता हमें, हम फेल हो गए परीक्षा के अंदर, हम ट्रेन के आगे कूद जाएंगे, मर जाएंगे, हम फांसी लगा लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। कभी परीक्षा के अंदर पास नहीं हुए तो दूसरा कुछ कर लेंगे हम। इससे क्या होता है आप खुद सोच के देखिए। अरे निराश हो गए तो फिर बचा ही क्या, आप इंसान ही नहीं रहे। और यदि इंसान बन के रहना है तो जो असफलता हुई है उसको चुनौती बनाओ और उसे एज ए चैलेंज ले लो और सफलता के लिए जुट जाओ। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं कि एक जो युवक था वो जीवन में संघर्ष करते करते अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा था और उसे कमाने के लिए कोई काम नहीं मिल रहा था और वो बहुत निराश हो चुका था और आत्महत्या करने के लिए एक जंगल में चले गया कि नदी में कूद के मर जाते हैं। तभी वहां उसे एक संत मिले और संत ने उससे पूछा कि तुम अकेले यहां जंगल में क्या कर रहे हो। अब उस युवक ने सारी समस्याएं संत को बताई। तब संत ने कहा तुम्हें कोई काम जरूर मिल जाएगा, इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा मैं हिम्मत हार चुका हूं महाराज, मुझसे अब कुछ नहीं होगा। अब संत के लिए चुनौती और उसको समझाना भी जरूरी था, तो उन्होंने छोटी सी एक कहानी सुनाई कि एक छोटे बच्चे ने एक बांस का और एक कैक्टस का पौधा लगाया। बच्चा रोज दोनों पौधों की देखभाल करता। एक साल बीत गया, अब कैक्टस का पौधा तो पनप गया लेकिन बांस का पौधा वैसा का वैसा ही था। बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी, वह दोनों की देखभाल करता रहा। इसी तरह कुछ महीने और निकल गए लेकिन बांस का पौधा वैसा का वैसा ही था। बच्चा निराश नहीं हुआ, उसने देखभाल जारी रखी। कुछ महीनों के बाद बांस का पौधा भी पनप गया और कुछ ही दिनों में कैक्टस के पौधे से भी बड़ा हो गया। दरअसल बांस का पौधा पहले अपनी जड़ों को मजबूत करता है और वो मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे पनपने में थोड़ा सा समय लग गया। अब संत ने उस व्यक्ति से कहा कि हमारे जीवन में जब भी संघर्ष आए तो हमें हमारी जड़ें मजबूत करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। जैसे ही हमारी जड़ें मजबूत होगी हम तेजी से हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेंगे, तब तक धैर्य रखना चाहिए। अब उस युवक के समझ में आ गए और आत्महत्या का विचार उसने त्याग दिया। हमारे जीवन में जब भी बुरा समय आए तो उसका सही उपयोग करना चाहिए। बुरे दिनों में हमारी जड़ें मजबूत करनी चाहिए, यानी अपनी योग्यता और काबिलियत को निखारना चाहिए, हमारी कमियों को दूर करना चाहिए, हमें एनालिसिस करना चाहिए कि आखिर हमें कहां ऐसी कौन सी कमी रह गई कि हम सफल नहीं हो पा रहे। और जब एनालिसिस के बाद में आपको अपनी कमियों का पता चल जाएगा तो उन कमियों को दूर कर लीजिए, सफलता खुद आपके दरवाजे पे आके खड़ी हो जाएगी। इसीलिए अपनी रूट्स को, अपनी जड़ों को मजबूत करो। कहने का आशय है आप जो भी काम करते हैं उसकी इन डेप्थ तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल गहराई तक आपको उसका पता होना चाहिए। अधूरा ज्ञान आपको कभी सफलता नहीं दिला सकता और अधूरे ज्ञान से आप सोसाइटी के अंदर कोई उपहास ही उड़वाएंगे, क्योंकि अधजल घघरी छलकत जाए। अब तय आपको करना है कि आपको निराशावादी जीवन के साथ ही जीना है या जिंदगी के अंदर जो बुरा समय आया है उसको अपनी ताकत बनाना है। हम तो बस इतना सा कहेंगे कि बदल लो अपनी जिंदगी को। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।